आज की क्लास में हम ब्रेक, गो टू एंड कंटिन्यू के बारे में जानेंगे। मैं फिर से आपको एक बार बताना चाहूंगा कि यहाँ पर हमारे पास तीन विंडो ओपन है। ये हमारा XAMPP का कंट्रोल पैनल है और यहाँ पर अपाचे सर्वर और MySQL जो है एग्जीक्यूट हो रहे हैं, और इनका स्टेटस जो है आप देख पा रहे हैं रनिंग स्टेटस में है। डी में XAMPP इंस्टॉल है और ये दोनों ही एग्जीक्यूट कर रहे हैं, बैकग्राउंड में ये एग्जीक्यूट कर रहे हैं। यहाँ पर हमारा टेस्ट 2 php जो लोकल होस्ट के अंदर इंस्टॉल्ड है, डिप्लॉय किया हुआ है, इसको मैंने एडिटर में ओपन किया है और ये लोकल होस्ट में सेम फाइल को सर्वर के थ्रू मैं एग्जीक्यूट करा रहा हूँ। यहाँ पर हम सेव करेंगे, यहाँ एग्जीक्यूट कराने पर या रीलोड कराने पर आउटपुट दिखेगा। लास्ट क्लास में हमने लूप के बारे में देखा था, यहाँ पर लूप चलाया मैंने, फॉर लूप, और 1 से लेकर 10 तक की गिनती br के साथ प्रिंट कराई है, ये आउटपुट है। अब हम देखते हैं ब्रेक, गो टू एंड कंटिन्यू के बारे में। ये तीनों ही ब्रांचिंग स्टेटमेंट के अंदर आते हैं और अनकंडीशनल ब्रांचिंग स्टेटमेंट है, यानी कि ब्रेक कंडीशन हम यहाँ पर दे सकते हैं। कैसे काम करता है देखते हैं। तो जब भी हमारा ब्रेक स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट होगा तो वो किसी भी स्ट्रक्चर को ब्रेक कर देता है, चाहे वो व्हाइल लूप का स्ट्रक्चर हो, फॉर का हो, इफ का हो, स्विच का हो, या किसी भी टाइप का स्ट्रक्चर हो। स्ट्रक्चर का मीनिंग है यहाँ पर इस ब्रैकेट से है। कुल मिला के अगर मैं फॉर ब्रेक यूज करूंगा तो जब भी ब्रेक यूज होगा तो वो एंड में पहुंचाएगा मुझे, ये एंड पर, और अगर इसके जगह मैं कंटिन्यू यूज करता हूं तो वो मुझे स्टार्टिंग पे पहुंचा देता है। दोनों अंतर ये होता है कि कंटिन्यू का सीधा सीधा मीनिंग है स्टार्टिंग या स्टार्ट करना या रीस्टार्ट करना, और ब्रेक का मतलब होता है एंड करना। इसको आप कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे आप अपने प्लेयर पे गाना सुनते हैं और प्लेयर पे गाना सुनते सुनते आपका गाना, आपने आधा गाना यहाँ पर सुना, तो आप जैसे ही ब्रेक करेंगे तो गाना वो क्या करेगा, पूरा एंड कर देगा यहाँ पर, मतलब गाना स्टॉप। यानी आप अपने प्लेयर में स्टॉप बटन दबाते हैं तो वो ब्रेक, उस समय ब्रेक वाला कोड जो है वो एग्जीक्यूट होता है, लेकिन जब आप पॉज के बाद प्ले वाला बटन दबाते हैं तो फिर वो उस पॉइंट से ही रीस्टार्ट करता है एग्जीक्यूशन। तो ये आपका कंटिन्यू वाला जो स्टेटमेंट है वो कहलाता है। तो देखते हैं कि ब्रेक वाला जो कंडीशन है उसको हम डायरेक्ट लिखेंगे तो फर्स्ट टर्म में ही वो इसको एग्जीक्यूट कर देगा, इसलिए हम इसको इफ में लिखते हैं। क्लियर है? तो इफ में लिख करके देखते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ एक कंडीशन, इफ डॉलर आई की वैल्यू जो है अगर 5 के बराबर हो जाए तो ब्रेक होगा। यानी कि फर्स्ट टाइम में आई की वैल्यू 1 रहेगी तो ये कंडीशन जो है वो रॉन्ग हो जाएगी और इफ जो है वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा। आपको पता है कि कोई भी जो ब्लॉक होता है, जैसे ये फॉर का ब्लॉक हो गया, इफ का ब्लॉक हो गया, अगर किसी भी ब्लॉक में एक लाइन का कोड है तो यहाँ पर ऐसे ब्रैकेट देने की जरूरत नहीं है। अगर एक लाइन का कोड होता है किसी भी ब्लॉक में तो ऐसा आपको ब्रैकेट देने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर फिलहाल एक लाइन का कोड है इसलिए हम ब्रैकेट नहीं देंगे। क्लियर? तो यहाँ पर कंडीशन जो होगी वो 5 तक चलेगी और 5 के बाद ब्रेक हो जाएगी। तो जब मैं इसको लोड करता हूँ तो देखिए लूप कहाँ तक चलना है, 10 तक, लेकिन अनकंडीशनली वो 5 पे ब्रेक हो जाएगा। क्लियर? तो जब मैं यहाँ पर लोड करूंगा तो देखिए अनकंडीशनली वो 5 पर ब्रेक हो गया है। क्लियर? तो यहाँ पर तो हमने नंबर दिया है, एक्चुअल में जब ब्रेक कब यूज करते हैं वो बीच में जब हम क्लिक करते हैं तो उस समय अनकंडीशनली ब्रेक हो जाता है। यहाँ पर मान लीजिए मैं क्लिक लिख देता हूँ कि, हालांकि मैं एक समझाने के लिए लिख रहा हूँ कि कैंसल पे जब क्लिक करेंगे तो वो ब्रेक हो जाएगा, तो जब तक वो क्लिक नहीं होगा तब तक वो ब्रेक नहीं होता। यहाँ पर तो हमने समझने के लिए देखा कि ब्रेक काम कैसे करता है। अब हम देखते हैं कंटिन्यू, अगर मैं लिखूं यहाँ पर कंटिन्यू, देखेंगे ये ब्लू कलर से आ रहा है क्योंकि कीवर्ड है इसलिए कंटिन्यू जो दिख रहा है। कंटिन्यू क्या करता है, वो ऊपर भेज देता है आपको, यहाँ पर ये ऊपर में रीस्टार्ट कर देता है। क्लियर है? तो कंटिन्यू स्टेटमेंट को हम कैसे एग्जीक्यूट कराएंगे। कंटिन्यू स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराने के पहले आपको ध्यान देना है कि प्रिंटिंग स्टेटमेंट जो है उसको आपको लास्ट में लिखना होगा, तो मैं इसको लास्ट में लिख देता हूँ। क्लियर है? तो कंटिन्यू क्या काम करेगा, जब मैं इसको एग्जीक्यूट कराऊंगा तो देखिए यहाँ पर 4, 5, 6 या इसको इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट क्या चेंजेस किया था इसमें, ओके ये वाला, इसको आपको ना नीचे लिखना होगा तभी वो कंटिन्यू का जो इफेक्ट है वो दिखाई देता है। कंटिन्यू जो है वो सामने में रहना चाहिए, ठीक है? तो वो उस टर्म को देखिए, आप यहाँ पर जैसे ही मैंने कंटिन्यू किया, ये 5 पर कंटिन्यू किया है तो आप देखेंगे कि यहाँ पर 4 के बाद 6 आ गया है। यहाँ पर 5 वाला जो टर्म है ये वाला, आप देख रहे हैं कि इसमें से 5 जो है वो मिसिंग है,
वो कैसा मिसिंग है, क्योंकि फर्स्ट टाइम पे यहाँ पर वन चला, ये वन के लिए लूप चला, टू के लिए लूप चला, थ्री के लिए लूप चला, फोर के लिए लूप चला, यहाँ तक ओके है ये वाला, तो ये वन टू थ्री फोर के लिए चला, लेकिन जब फाइव के लिए चलने के लिए आया तो यहाँ पर क्या हो गया कि प्रिंट करने से पहले ही वो कंटिन्यू आया, तो यहाँ पर प्रिंट करना था, प्रिंट करने से पहले ही वो रीस्टार्ट हो गया और नेक्स्ट टर्म पे चला गया, तब यहाँ पर वैल्यू आई सिक्स, यानी कि वन के लिए चला, टू के लिए चला, थ्री के लिए चला, फोर के लिए चला और फाइव के लिए रीस्टार्ट हो गया, यहाँ पर फाइव वाला जो टर्म है वो छोड़ दिया, उस समय आगे बढ़ गया, ठीक है। तो मेरा गाना चलते चलते आया था और इस पॉइंट पे आया और फिर इस पॉइंट से ही रीस्टार्ट हुआ, यानी पांच पे रुका हुआ था और पांच से फिर आगे बढ़ गया, क्लियर। तो ये जो आउटपुट है ये बहुत ही सिंपल सा आउटपुट है और बहुत आसान आउटपुट है जो कंटिन्यू वो काफी आसानी से समझा देता है, क्योंकि ब्रेक वाला जो पॉइंट है वो सब लोग समझ जाते हैं, बहुत आसान है कि पांच तक आया फिर ब्रेक आ गया, लेकिन कंटिन्यू को बहुत कम लोग समझ पाते हैं। तो इस एग्जांपल से आप काफी आसानी से कंटिन्यू को समझ सकते हैं और ये वाला जो एग्जांपल है वो किसी भी लैंग्वेज में अप्लाई कर सकते हैं, आप जावा स्क्रिप्ट, पीएचपी, जेएसपी, सी, सी प्लस प्लस, जिसमें भी आप पढ़ रहे हैं सेम एग्जाम्पल आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। अब अगला हम देखेंगे गो टू स्टेटमेंट। गो टू स्टेटमेंट एक अनकंडीशनल जंपिंग स्टेटमेंट है और ब्रांचिंग स्टेटमेंट है। तो गो टू करने के लिए यहाँ पर आप देखेंगे कि कंटिन्यू जो है वो एक फिक्स जगह पर जंप करता है, यहाँ पर आप हजार लाइन का कोड लिखिए और जहां भी कंटिन्यू होगा वो हमेशा फर्स्ट ब्रैकेट पे जंप करेगा, ऐसे ही ब्रेक लिखा होगा तो हमेशा लास्ट ब्रैकेट पे ही जंप करेगा, यानी इनका ब्रेक और कंटिन्यू का टारगेट जो है वो फिक्स होता है। लेकिन एक ऐसा जंपिंग स्टेटमेंट भी है जिसका टारगेट फिक्स नहीं होता, उसको हम डिसाइड करते हैं कि इसका टारगेट क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे पीएचपी का कुछ कोड लिखता हूँ, इको हेलो, मैंने लिखा इको हेलो, मैंने लिखा इको साइन, तो यहाँ पर अब मैं गो टू लिख करके उसका टारगेट मैं डिसाइड करूंगा, यहाँ कंटिन्यू मिटाता हूँ और मैं यहाँ पर लिखूंगा गो टू साइन एल बी एल, ये यूजर डिफाइंड वेरिएबल है साइन एल बी एल, इसको बोलते हैं लेबल, इस पूरे प्रोग्राम में जहां पर भी ये लेबल मिलेगा वहां पर वो जंप कर देगा। तो मैं यहाँ पर इसके नीचे पे लेबल बना देता हूँ साइन एल बी एल, और लेबल बनाने के लिए उसके आगे कोलन लिखते हैं और मैं इसके नीचे लिखता हूं एंड, क्लियर। तो एग्जीक्यूशन क्या हो रहा था, अगर यहाँ कंटिन्यू लिखा था तो ये ऊपर जा रहा था, यहाँ पर आपने देखा कि कंटिन्यू लिखने पर ये ऊपर जा रहा था, ब्रेक लिखने पर यहाँ पर आ रहा है, इनकी जो टारगेट था वो फिक्स था, ब्रेक एंड कंटिन्यू का टारगेट फिक्स था। अब मैंने गो टू बनाया और इसका टारगेट मैंने डिफाइन किया कि इसका टारगेट जहां पर भी ये लिखा होगा वहां पर जंप करेंगे और मेरी इच्छा है कि मैं इसको कहां पर भी लिख सकता हूं या कहीं पर भी लिख सकता हूं, क्लियर है। तो मैंने टारगेट यहां पर लिखा, तो जैसे ही ये एग्जीक्यूशन होगा, यहां पर ये एग्जीक्यूशन जैसे ही होगा तो ये सारी चीजों को वो छोड़ देगा, ये सारी चीजों को छोड़ देगा, सीधा अपने टारगेट पे जंप कर देगा। तो गो टू स्टेटमेंट वो है जिसका टारगेट जो है यूजर डिफाइंड होता है। तो इसको हम एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं फटाक से, हम यहाँ पर रन करते हैं और आप देखेंगे कि जैसे ही पांच आएगा, पांच के बाद ये हेलो साइन वगैरह छोड़ करके सीधा वो इसमें आ जाएगा। तो देखिए चार के बाद जैसे ही पांच आया था तो उसके बाद टारगेट वो चेंज कर दिया। अगर मैं गो टू स्टेटमेंट हटा देता हूं तब क्या आउटपुट आने का था देखते हैं। तो आपने देखा कि गो टू स्टेटमेंट हटाने पर इस तरीके से आउटपुट आपको दिखाई दे रहा है, क्लियर। तो ये आपका आउटपुट दिख रहा है आपको। तो इस तरीके से गो टू का जो टारगेट है वो हम यहाँ पर सेट कर सकते हैं, और मैं इस पूरे कंडीशन को हटा देता हूँ और इसको भी हटा देता हूँ, तो भी आप एक बार क्लियर कर लीजिए आउटपुट क्या आ रहा है। तो ये हेलो साइन जो आना था उसको छोड़ करके हमारा टारगेट सीधा बाहर आ गया। इस तरीके से ब्रेक, गो टू एंड कंटिन्यू हमने देखा और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन